वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी एसेज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालकों के अधिकार। क्या कहता है लॉ इस विषय में और वास्तविक स्थिति क्या है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आज इस ऐसे को डिस्कस करते समय हम कुछ इसमें जनरल चीज़ों को लेंगे और कुछ जो इससे रिलेटेड लॉज कह रहे हैं वो सब डेटाज हम इसमें लेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है, मैटर जितना भी आपके पास है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं। हिंदी ऐसे लिखते समय हमें प्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत कीन होना पड़ता है। मींस आपकी बहुत पैनी नज़र होनी चाहिए कि आपको किस बात को किस तरीके से कहना है, किस तरह से आपको एग्जामिनर के सामने अपनी बात को रखना है। प्रेजेंटेशन इसमें बहुत महत्व रखता है। आपको जितनी भी जानकारी है उस विषय पर, कम है या ज़्यादा है, लेकिन आप उसको किस तरह कह पा रहे हैं ये उतनी ही महत्वपूर्ण बात है जितनी ही महत्वपूर्ण ये है कि उसमें आपने असर क्या डाला है। हिंदी ऐसे इसकी शुरुआत जब हमने की थी उस समय हमने ऐसे को लिखने के लिए जो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर भी हमने डिस्कस किया था। बीच बीच में हम जिन भी ऐसे इसको डिस्कस करेंगे, बीच बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी सामने आती जाएंगी उन पर भी हम ज़रूर बात कर लेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि वो फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने ऐसे के जो रूल्स हैं उसको लिखने के उनके बारे में हमने बात की थी, आप उसे एक बार रिवाइज़ कर लें। तो आज शुरुआत करते हैं हम टॉपिक से, अपने बालकों के अधिकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, और ये बात भारत के संविधान के भाग 3 के मूलभूत अधिकारों में भी वर्णित है। न्यायालय भी इसको मान्यता देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा भी ये स्वीकार किए गए हैं और देश के सभी न्यायालयों के द्वारा ये प्रवर्तनीय भी हैं। इन मूलभूत अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधाओं का अधिकार, अभिरक्षा में होते हुए यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने के संबंध में अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किए जाने का अधिकार, स्त्री पुरुष बच्चे और वृद्ध लोगों के समान अधिकार। इन सभी अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा या लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये सभी अधिकार जनजात अधिकार हैं और इनके हनन का मामला राज्य के मानवाधिकार के कार्यक्षेत्र में आता है। कल्याणकारी राज्य में सरकार का ये दायित्व बनता है कि मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वो जवाबदायी हो, यानी इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति के प्रति सरकार की बराबर जिम्मेदारी है, एक जैसी जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, मीन्स अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सुशासन का महत्वपूर्ण तत्व यही है कि वो सुशासन है जो मानव के अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करता है। प्रभावी तौर पर क्यों कहा गया कि सुनिश्चित तो करे लेकिन प्रभावी तौर पर ना करे, यानी बहुत अच्छे प्रकार से अगर नहीं कर पाता तो भी वो सुशासन नहीं है। मानव के अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित किया जाना एक सुशासन का महत्वपूर्ण तत्व होता है। अर्थात बेहतर समाज के लिए ज़रूरी है कि मानव के अधिकारों का संरक्षण हो। हम सब जानते हैं कि बच्चों को देश का भविष्य कहा गया है। भावी नागरिक होने के नाते उन पर देश का भविष्य टिका होता है, लेकिन फिर भी उनके संतुलित विकास के मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी रुकावटें हैं जो निरंतर उनके साथ बनी रहती हैं। उनके अधिकारों में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ी समस्या है भीख मांगने की प्रवृत्ति और बाल श्रम। बाल श्रम पर आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसे का टॉपिक दिया गया है। बाल श्रम को लेकर के बहुत सी कानून में जो भी बालकों को संरक्षण दिया गया है उन सारी
उन सारी चीज़ों को आपने अपने ऐसे में ज़रूर लिखना है। तो बाल श्रम जो है उसके साथ ही बच्चों में अशिक्षा आ जाती है, कुपोषण, विकास की कमी और बीमारियां सब शामिल हो गया। अगर कोई बच्चा अपने बालपन में ही श्रम वाले कार्य करने लग गया तो बिल्कुल निश्चित है कि ना तो वो शिक्षित हो पाएगा, ना ही उसे पोषण मिल पाएगा, ना ही उसका वैसे विकास हो सकेगा जैसा कि एक्चुअली में अगर वो ये बाल श्रम ना करता होता तो उसका हो सकता था, और बीमारियाँ। तो इसी के कारण फिर बच्चों के विरुद्ध जो छोटे छोटे अपराध होते हैं उनके साथ बड़े अपराध भी, जैसे बलात्कार, अपहरण या कन्याओं को बेचना, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या और बाल विवाह, इन जैसे अपराध भी होने लगते हैं। अब देखते हैं हम बाल श्रम से संबंधित कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। कई अधिनियम हैं जो कि बाल श्रम से संबंधित हैं।